बेटे का वरदान ले रानी फूली अंग में नहीं समाई। ओए चंद्रमा के अशुक्ल पक्ष जू तन तन हो की कला सवार शुक्ल पक्ष के चंद्र बाजू तन तन हो की कला सवार बेटे का पक्ष के चंद्र बाजू चंदन हो की कला सवाई बेटे का वरदान रानी फूल रही सवाई। जब औरत गर्भवती हो जाती है पहला महीना लगता है क्या करना चाहिए जिससे देवताओं के समान औलाद पैदा हो, मान के कर्म करने चाहिए। कवि ने क्या बताया क्या लिखा रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है क्या लिखा महादेव एग्रोटेक की तरफ से 100 रुपए से और मान सम्मान। इस रागनी के बाद दादा जीता से अनुरोध है कि भाई वो आ जाए, उसका नंबर है। हाँ, समय खराब नहीं करना है। पहला मास लग्या रानी ने सुवा सुपारी खान लगी। गंगा जल का लोटा लेकर शिव जी सीजन जान लगी। दूजा मास लग्या रानी ने मटना मलमल नहान लगी। 24 घंटे हरी हर रटती हरी कीर्तन गान लगी। तीजा मास लग्या रानी ने चेहरे पे छाई जरदाई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जी दिनदन होगी कला सवार। और जब चौथा मास लगता है रानी को क्या बनता है क्या लिखा छोड़ दिया
मामा से लग्या रानी ने घूंघट खोलना छोड़ दिया सुख सब बदल कान लगी और पार डोलना छोड़ दिया छट्टा मा से लग्या रानी और नैन कपड़ करे सफाई काफी मान सम्मान पहले 100 रुपए से और मान सम्मान हमारे आदरणीय बहुत अच्छे श्रोता अमरजीत जी कितने प्रोग्राम हुए पहुंचते हैं जिनके पोते के जन्म के उपलक्ष में आज यह कार्यक्रम में 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद। और जब सातवां मास लगे है औरत के क्या दिक्कत होती है कैसे क्या रख रखाव करती है मैं बच्चे में ये लक्षण नहीं आने चाहिए क्या बताया लगा रानी फुलकुवार को अकबर टाइम नजदीक आ गया गौ माता ने जमावे बामणा ने जमावे अकनु परमात्मा ते अरदास करे अक यो जो खेवा है यो बालक ठीक तरह से जन्म ले ले हे मालिक इसने पार तारिए चौथे नंबर पे वो रानी फुलकुवार क्या सोचती है क्या लिखा बाकी रह गए
टप्पर का हो सै भाई काट नहीं होगा स्वाद नहीं पड़ेगा।